गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सेकंड स्टैंडर्ड में हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, माय बॉडी में हमने पहले पढ़ा एक्सटर्नल पार्ट्स, अभी पढ़ा इंटरनल पार्ट्स, अभी आगे हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लेट अस प्रैक्टिस। ओके, चलिए फर्स्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, चलिए फर्स्ट वाला मैं पढ़ूंगी, वी थिंक विथ आवर लंग्स, तो ये रॉन्ग है, लंग से हम सोच नहीं सकते, तो करिए क्रॉस, मेरे साथ ही करना है। चलिए आगे, आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी मूवमेंट्स, तो ये सही है, ब्रेन हमारी बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकता है, तो करिए राइट कंप्लीट। आगे, आर टोट्स आर प्रेजेंट ऑन अवर हेड, सॉरी हैंड्स, तो ये रॉन्ग है, ये लेग्स में होते हैं, करिए रॉन्ग। चलिए आगे, स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, तो ये सही है, तो करिए राइट, स्टमक हेल्प करता है हमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए। फाइव, मसल्स हेल्प और बॉन्स टू मूव, तो ये राइट है, वो हमें मूव करने में हेल्प करता है, कंप्लीट। चलिए आगे, बी, फील इन द ब्लैंक विद द गिवन वर्ड्स, अभी मैं पहले वर्ड पढ़ूंगी, ये है हार्ट, लंग्स, मशीन, टीथ एंड हेड, अभी वन बाय वन हम उसको फील करेंगे। फर्स्ट, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ बिग ब्लैंक, क्या आएगा, मशीन, तो लिखिए मशीन, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ बिग मशीन। सेकेंड, आवर ब्लैंक रेस्ट ऑन आवर नेक, तो क्या आएगा, हेड, लिखिए हेड। थर्ड, फर्स्ट ब्लैंक है, हेल्प अस टू ब्रीथ, क्या हेल्प करता है, लंग। चलिए आगे, आवर माउथ हैज अ टंग एंड मैनी ब्लैंक्स इन इट, क्या आएगा, टीथ। अभी नेक्स्ट, द ब्लैंक पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, क्या आएगा, हार्ट। सी, मैच द फॉलोइंग, अभी हम लोग ये जो भी दिए हैं उसका, जो हमारी बॉडी में जो भी वो वर्क करता है उससे मैच करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, लंग्स, तो क्या आएगा, हेल्प अस टू ब्रीथ, चलिए मैच कीजिए, हेल्प अस टू ब्रीथ। सेकेंड, ब्रेन, हेल्प अस टू थिंक, हेल्प अस टू थिंक, कंप्लीट। थर्ड, मसल्स, वो क्या हेल्प करता है, मूवमेंट के लिए, तो हेल्प इन मूवमेंट, चलिए कनेक्ट कीजिए, मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। अभी स्टमक, तो वो तो इजी है, डाइजेस्ट फूड, फर्स्ट वाला कंप्लीट। अभी आगे, हार्ट, तो वो क्या करता है, पम्प्स ब्लड, ये हुआ मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। अभी आगे, डी, लुक एट द पिक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड नेम देम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि ये जो दिए हैं वर्ड्स उसको मैच करके, पिक्चर से मैच करके हमें यहाँ पे लिखना है, कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, हार्ट है, लेग्स, आईज, स्टमक एंड टंग, चलिए पिक्चर्स भी इजी है तो फटाफट से करते हैं। पहला है टंग, लिखिए टंग, ये वाला टंग। सेकंड इजी है, लेग्स, लिखिए लेग्स, अभी ये भी इजी है, लिखिए आईज। चलिए ये भी हमारा इंटरनल पार्ट से, ये भी हमें पता है, लिखिए स्टमच। और लास्ट वाला हार्ट, ये हुआ कंप्लीट। अभी ई, यहाँ पे देखिए, हम लोग
छोटा स्पेलिंग वर्ड ओनली वन वर्ड में आंसर लिखेंगे यहाँ पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वाला, विच ऑर्गन हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स. ओके, तो क्या आएगा? नोज. हमारी नोज ही हेल्प करती है, तो लिखिए नोज. सेकेंड, विच ऑर्गन हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. कौन हेल्प करता है फूड डाइजेस्ट करने में? तो यहाँ पे लिखिए स्टमक. लिखिए स्टमक. अभी थर्ड, वॉट आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो मैं जैसे बोलूँ आप लिखते जाइए. ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. और आगे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं. फोर, नेम एनी फाइव एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी. चलिए मेरे साथ लिखिए. आईज, नोज, हेड, लेग्स, ईयर्स. मैं रिपीट करती हूँ. आईज, नोज, हेड, लेग्स, ईयर्स. चलिए आगे. व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट में क्या डिफरेंट है? तो वो सिंपल है कि इंटरनल पार्ट को हम देख नहीं सकते और एक्सटर्नल पार्ट्स को हम देख सकते हैं. चलिए लिखिए मेरे साथ. इंटरनल पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी एंड एक्सटर्नल पार्ट्स विच वी कैन सी. कंप्लीट? ओके, आगे हम लोग थर्ड चैप्टर की स्पेलिंग भी आज साथ ही में ले रहे हैं. चलिए चैप्टर थ्री, ग्रोइंग अप. यहाँ पे मैंने स्पेलिंग ली है. कंपलसरी मैंने कर्शियो में लिखा है. आपको ये होमवर्क में 5 टाइम स्पेलिंग लिखनी है और मेरे साथ प्रोनाउंस करना है. अभी मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए. चलिए फर्स्ट है लिविंग. क्या बोलेंगे? लिविंग. पीरियड, ग्रोथ, इन्फेंट, चाइल्ड, टीनेजर, अडल्ट, ओल्ड, प्लांट्स, सैम्पलिंग्स एंड एनिमल्स. ऐसे प्रोनाउंस कीजिए और होमवर्क में लिखिए 5 टाइम्स. ओके, थैंक यू.